दोस्तों आज की केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। एक लड़का गांव से, केरला के गांव से उठ के आता है, एक यूनिकॉर्न खड़ा करता है और चंद दो साल के बाद में अर्श से फर्श तक पहुंच जाता है। अब आप सोचो कि कोई आदमी एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहां पे कोई एक्सपोजर नहीं है, जहां पे कोई ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इतने लेवल तक आदमी ग्रो करे, और फिर एक कॉन्सेप्ट लेके आता है मार्केट में, ही बिकम्स द मार्केट लीडर, उसमें वो इतना हाइट्स को अचीव करता है और फिर धड़ करके नीचे गिरता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बायजू रविंद्रन की, जो बायजूस द लर्निंग ऐप, एक एडटेक कंपनी के फाउंडर, सीईओ, और जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट से, अपने दिमाग से, अपने आइडिया से एक कंपनी को यूनिकॉर्न बना के, और फिर अनफॉर्चुनेटली आज वो अंजाम पे आए हैं जहाँ पे ही इज ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। ऐसी बहुत रेयर जर्नीज होती है, ऐसी बहुत रेयर केसेस होते हैं, और ऐसे केसेस को समझना कि आदमी इतनी हाइट्स को अचीव करता है फिर एकदम इतनी ज़ोर से ज़मीन पे गिरता है, ये कैसे पॉसिबल है, ऐसी जर्नी कैसे होती है, ऐसी जर्नी बनती कैसे है, ऐसे क्या कॉम्बिनेशन होते हैं जो उन्हें उन हाइट्स तक पहुँचाती है और फिर एकदम ज़मीन चटा देती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। शायद थोड़ा लंबा भी रहेगा लेकिन बहुत ही लर्निंग, बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुमुल राठी, एस्ट्रो बिजनेस एंड लाइफ कोच। इस वीडियो में हम 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रविंद्रन बायजू की इंडिपेंडेंट जर्नी, उसकी इंडिविजुअल जर्नी, क्या उसकी कुंडली, उसका एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिकल चार्ट ये प्रॉमिस करता है उसको इस लेवल तक की ग्रोथ, और फिर ऐसा बुरा समय। दूसरा, क्या खाली एक इंडिविजुअल की कुंडली या इंडिविजुअल की किस्मत कोई इतनी बड़ी कंपनी बना सकती है? यहाँ पे कंपनी का चार्ट या कंपनी का एक अपनी डेस्टिनी भी रहती है, वो कंपनी की डेस्टिनी क्या कहती है हम उसे स्टडी करेंगे कंपनी के सन चार्ट और न्यूमरोलॉजिकल चार्ट से। तीसरा, वो जो समय जिसमें कंपनी ने इतना हाइट्स अचीव किया, रविंद्रन बायजू वो हाइट्स तक गए और फिर उसके बाद में जो नीचे गिरे, वो समय क्या उनका बता रहा था। चौथा, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का हम एनालिसिस करेंगे, ऐसे क्या योग उनकी कुंडली में बनते हैं कंपनी के और उनकी कुंडली में, और ऐसे क्या दोष हैं जिस वजह से उन्हें इतना बुरा समय भी देखना पड़ रहा है। और पांचवा, अब यहाँ से उनकी जर्नी उन्हें कहाँ लेके जाएगी, अब आगे क्या, इज दिस हिज एंड या उनका फ्यूचर भी है आगे। बायजू रविंद्रन का जन्म 5 जनवरी 1980 में अरिकोड नाम के केरला के कोई गाँव में हुआ था। बचपन में उन्हें स्पोर्ट्स में और पढ़ाई में, दोनों में उनका माइंड बहुत अच्छा चलता था, और पढ़ाई में खास करके उनका जो ब्रेन था वो टेक्निकल था। तो जब स्पोर्ट्स में जाते जाते, जैसे जैसे वो कॉलेज हाई स्कूल करते करते कॉलेज में गए, वहाँ उन्हें समझ में आने लग गया कि उनका जो रुझान है, जो झुकाव है, दैट इज़ टूवर्ड्स इंजीनियरिंग। उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौर से करी। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद उन्होंने ही ज्वाइंट फॉर 2 ईयर्स इन टू अ जॉब। उनके जॉब के दौरान ही वो अपने दोस्तों को IIM की तैयारी के लिए, कैट की प्रिपरेशन के लिए उन्हें हेल्प करते थे, और उस बीच में उनको ये समझ में आया कि उनके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे हैं समझाने के, और साथ में उन्होंने भी खुद ने कैट की तैयारी करी और 100% से उन्होंने कैट की एग्जाम को क्रैक किया। आई नॉर्मली से आई एम एन इंजीनियर बाय चांस, अ टीचर बाय चॉइस। आगे की बात करने से पहले हम समझते हैं उनकी कुंडली को, कि उनकी कुंडली में ये ऐसे क्या योग बनते हैं जो ये बताता है कि वो इतने इंटेलिजेंट रहेंगे और प्लस एक 100% मतलब बहुत ही रेयर स्कोर रहता है कैट में, बहुत ही कम, मैं तो शायद किसी और को जानता भी नहीं हूँ जो 100% से क्लियर किए हुए, और वो भी एक बार नहीं दो बार। तो यहाँ आप देखेंगे कि उनकी धनु लगन की पत्रिका है, सैजिटेरियस लगन, और लग्नेश गुरु 9th हाउस में भाग्य के भाव में बैठा है, और भाग्य भाव का स्वामी सूर्य लगन में बैठा है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि लगन और 9th हाउस का राशि परिवर्तन योग है, जो एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बताता है। लग्नेश का 9th हाउस में बैठना और 9th हाउस का लगन में बैठना, फर्स्ट एंड द 9th हाउस, मतलब लगन और भाग्य को पूर्ण रूप से बलि करता है। जब लगन और भाग्य बलि हो जाता है तो ये प्रॉमिस करता है कि लड़का एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैदा हुआ है, ये जातक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा मुकाम हासिल करेगा। फिर बात करते हैं कि अब बड़ा मुकाम हासिल करेगा लेकिन किस फील्ड में हासिल करेगा। तो यहाँ पे उनके टेक्निकल स्किल्स, उनका ब्रेन, उनकी इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई थी, और इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाता है 5th हाउस। लगन एक ओवरऑल पर्सनालिटी को दर्शाता है, एक ओवरऑल फिट पर्सनालिटी को, और लग्नेश त्रिकोण में बैठने से उन्हें फिट पर्सनालिटी बना दिया। तो आप देखेंगे कि बायजू रविंद्रन फिजिकली
और मेंटली दोनों बहुत फिट हैं। वो फिफ्थ हाउस जो है, फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो बनता है मंगल, और मंगल फिफ्थ से फिफ्थ हाउस दैट इज नाइन्थ हाउस से करेक्ट होता है। मतलब मंगल फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होके नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है, क्योंकि भावत भवन के हिसाब से फिफ्थ का फिफ्थ है, तो उनका फिफ्थ हाउस भी बहुत बली हो गया। मतलब उनका लगन, उनका पंचम और उनका नवम, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, तो उनके त्रिकोण के भाव है, तो एकदम स्ट्रांग हो गए। जब आपका त्रिकोण स्ट्रांग हो जाता है तो इसका मतलब वैसा आदमी इंटेलिजेंट, स्ट्रांग फॉर्च्यून्स को लेके पैदा होने वाला, और एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाला होता है। मतलब वैसा आदमी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट का रहता है, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी रहता है, वो लाइफ को एक अलग लेवल पे दिखता है। और जिसमें कि उनका धनु लगन है, धनु लगन की खास बात है कि धनु लगन वाले एंटरप्राइजिंग रहते हैं। धनु लगन के जो लोग रहेंगे उनमें एक एंटरप्राइजिंग एबिलिटी रहती है, दे आर ऑलवेज हैविंग अ बिगर विजन इन लाइफ, वो लोग छोटा नहीं सोचते, उनकी सोच बहुत बड़ी रहती है। और यहाँ पे इसीलिए बचपन से ही जैसे जैसे उनको लाइफ में एक्सपोजर मिलना चालू हुआ, उन्हें समझ में आने लगा कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए हूँ। यहाँ पे दो बार उन्होंने, आप गौर करिए, यहाँ पे दो बार उन्होंने कैट के एग्जाम को क्रैक किया। क्रैक करके वो चाहते थे तो IIM में एडमिशन ले सकते थे, लेकिन he chose not to take admission there. It was never started as a business. It was almost like I always used to teach in my school, college. Formal session was for 30 plus of my friends and their friends. Seconds, then it started growing like a geometric progression. So from 30 to 1200 in a matter of weeks. It used to be like Saturday morning Bangalore, Saturday evening Chennai, Sunday morning Bombay, Sunday evening Pune, and Monday to Friday 5 more cities. So I started traveling to 9 different cities every week. अब यहाँ पे आप देखेंगे, दूसरा strong combination आपको बताता हूँ। यहाँ पे 9th house का जो lord है सूर्य और 10th house का जो lord है बुध, ये दोनों का युति बनती है लगन में जाके। मतलब आपका भाग्येश और आपका कर्मेश की युति बनती है लगन में। जब लगन में ये युति बनती है, ये फिर एक बहुत स्ट्रांग योग है। मतलब आपका भाग्य और कर्म का भाव आपके कंट्रोल में आ गया है। मतलब यू हैव, द गॉड हैज ब्लेस्ड यू टू प्लान योर ओन डेस्टिनी, एंड देयर इज अ ब्लेसिंग, बिकॉज लग्न लॉर्ड भाग्य भाव में बैठा है और भाग्येश लगन में बैठा है, तो आप बहुत ही मजबूत फॉर्च्यून्स को लिखा के आए हैं। तभी फ्रॉम नोवेयर आप कहीं से आते हो और एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल करते हो। ये कॉम्बिनेशन के बिना पॉसिबल हो ही नहीं सकता। फिर हम देखेंगे कि नाइन्थ हाउस में गुरु मंगल की युति बनती है और साथ में राहु की युति भी बनती है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनता है। सूर्य के भाव में गुरु और मंगल दोनों बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों फायर साइन है और उनका प्लेसमेंट फायर साइन में बनता है, और साथ में राहु का वहाँ बैठना आदमी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी शार्प बना देता है। तो फिफ्थ हाउस में गुरु मंगल और राहु की जो युति है बहुत ही स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बनाती है इंटेलिजेंस की हद तक। गुरु मंगल की जो युति है आदमी को एक टेक्निकल ब्रेन्स भी देता है और स्पोर्ट्स की तरफ भी इंक्लाइन करता है। तभी उन्हें बचपन में स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे वो। बट इवेंचुअली जाते हुए जैसे जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे उनके एकेडमिक्स में वो ग्रो होना चालू है, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस मंगल के साथ में बैठ के एक अंगारक दोष बनाता है। इसे आप दोष भी समझ सकते हो, इसे आप योग भी समझ सकते हो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक दोधारी तलवार है। यहाँ पे उन्हें बहुत शार्प इंटेलेक्ट मंगल और राहु के जो ये कॉम्बिनेशन है इसने प्रॉमिस कर दिया, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड राहु के साथ जब एसोसिएट होता है तो आदमी को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस देता है। इट मेक्स हिम थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वो दुनिया के नॉर्मल सोच से कहीं आगे तक की सोच सकता है या फिर कुछ अलग हटके करने की सोचता है वैसा आदमी। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने जैसे जैसे अपने दोस्तों की हेल्प करी, वहाँ उन्हें समझ में आ गया कि उनमें टीचिंग एबिलिटी अच्छी है, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, और खास करके उन बच्चों को जो स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने अपनी क्लासेस चालू करी, लेकिन उनकी क्लासेस में वो क्लासेस उनको बस कहाँ होने वाली थी, वो स्पेस उनके लिए बहुत छोटी थी, तो वहाँ से उन्होंने ऑडिटोरियम बुक करना चालू किया। और फिर ऑडिटोरियम से वो यहाँ तक ये पोजिशन पर आ गए कि स्टेडियम उन्हें हायर करना पड़ रहा था, जहाँ पर हज़ारों बच्चे उनसे पढ़ने के लिए आते थे। ये बहुत ही रेयर केस है, ऐसा बहुत ही यूनिक एग्जांपल है, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि स्टेडियम यूज़ हो रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम स्टेडियम यूजुअली या तो मैच देखने जाते हैं या तो कोई एंटरटेनमेंट शोज़ के लिए जाते हैं, बट यहाँ पे स्टेडियम के लिए बच्चे अलग अलग जगह से आते थे उनकी क्लासेस अटेंड करने के लिए। उनकी ये जो एबिलिटी थी, ये पर्टिकुलर एबिलिटी ने उनको ये सोचने में मजबूर कर दिया कि आज जब हज़ारों बच्चों को मैं पढ़ा पा रहा हूँ स्टेडियम में बैठ के, इसका मतलब लाखों होंगे जो मुझसे सीखना चाहते होंगे या लाखों बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी, तो मैं उन लाखों बच्चों तक कैसे पहुंचूं? तो वहां से इनकी बायजूस थिंक एंड लर्निंग ऐप की शुरुआत हुई।
वहाँ से उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना मैं डिजिटलाइज कर दूँ पढ़ाई में, क्योंकि राहू भी उनका शार्प है, तो राहू डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ इंक्लाइन करता है, तो क्यों नहीं मैं ये एजुकेशन को डिजिटलाइज करूँ या इसको मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों करोड़ों तक पहुँचा सकूँ अक्रॉस द वर्ल्ड, जो मेरी एबिलिटी, मेरी जो लर्निंग स्किल्स हैं उसके माध्यम से वो लोग सीख सकें। तो ये विजन उन्होंने लेके चले और ये विजन उनकी कंपनी को एक 2022 में यूनिकॉर्न कंपनी 22 बिलियन USD की कंपनी बना दी। अब हम समझते हैं कि क्या एक विजन जो कि प्रॉमिसिंग दिखता है इतनी बड़ी ग्रोथ दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि ठीक है आपका विजन अच्छा है, एक कॉन्सेप्ट अच्छा है, वो कॉन्सेप्ट का एक सर्टन पैरामीटर, एक कॉन्सेप्ट का एक क्या बोलते हैं ना, एक सीमा रहेगी ग्रोथ की, लेकिन 22 बिलियन की कंपनी जो कि अच्छी अच्छी कंपनीज, अच्छी अच्छी पोटेंशियल रखने वाली कंपनियों की साल को सालों लग जाते हैं वो लेवल तक पहुंचने में, बायजूस इतने कम समय में उन्होंने ऐसे इतनी बड़ी वैल्यूएशन को कैसे अचीव किया। इसके लिए हम गौर करते हैं कंपनी के चार्ट में, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ में मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कंपनी का खुद का भाग्य बनता है, कंपनी का सन चार्ट, कंपनी का नाम, कंपनी की जो एनर्जीज हैं, एनर्जीज उसके नाम से आती है, नाम उनके लिए फेवरेबल है या नहीं। दूसरा कंपनी का सन चार्ट क्या प्रॉमिस करता है, क्या उस लेवल की ग्रोथ, उनकी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस। फिर कंपनी का न्यूमरोलॉजिकल चार्ट, उसके एनालिसिस से हमें ये समझ में आता है कि कंपनी के हाथ में क्या क्या पोटेंशियल्स है, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उनकी कंपनी क्या वो ग्रोथ को प्रॉमिस करती है। थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड का जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है दैट इज 30th November 2011, और कंपनी का प्राइमरी नंबर बनता है नंबर 30। तो 30 को आप सिंगल डिजिट में करेंगे तो नंबर 3 है। नंबर 3 डिनोट्स जुपिटर। जुपिटर अगर हम बात करते तो एजुकेशन, अब फूड इंडस्ट्री को ले लो, स्पेसिफिकली लर्निंग इंडस्ट्री जो है एजुकेशन को लेके, वो नंबर 3 जुपिटर उसका कार का प्लैनेट बनता है। तो आप देखेंगे कि प्राइमरी नंबर जो है वो कार का प्लैनेट का नंबर भी बनता है। दूसरा कंपनी का लाइफ पाथ नंबर यदि हम देखेंगे तो 30th November 2011 को यदि हम टोटल करें तो आता है टोटल नंबर 9 पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइमरी नंबर और लाइफ पाथ नंबर दोनों का परफेक्ट सिंक है, क्योंकि 3 और 9 एक ही फैमिली से है, दोनों आपस में परफेक्टली वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का जो बर्थ डिटेल्स हैं दैट इज़ परफेक्टली सिंकिंग, कंपनी का प्राइमरी नंबर एंड कंपनी का लाइफ पाथ नंबर में एक बहुत अच्छा सिंक है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है कंपनी की ग्रोथ को प्रॉमिस करने के लिए। फिर दोस्तों यहाँ पे अब बात आती है कि कंपनी की ग्रोथ अगर खाली नाम से ही प्रॉमिस थी तो ठीक है, कंपनी की ग्रोथ तो हमने देखी, बट क्या फिर कंपनी का डाउनफॉल भी क्या खाली नाम में ही छुपा हुआ है? ये दोनों चीज़ों का हम आंसर करते हैं। जी हाँ, नाम में उसका कुछ ना कुछ अंश बिल्कुल छुपा हुआ है, क्योंकि कंपनी का नाम या ब्रांड का नाम स्पेसिफिकली जिसे हम बायजूस के नाम से जानते हैं, बायजूस को वर्ल्ड वाइड थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कोई रिकग्नाइज नहीं करता है, उसे हम बायजूस के नाम से जानते हैं। तो जो बायजूस है उसका नेम नंबर आता है नंबर 4 पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि हालांकि कंपनी का प्राइमरी नंबर और लाइफ पाथ नंबर सिंक, दे आर परफेक्टली सिंकिंग, दे आर परफेक्टली इन सिंक, इन कोऑर्डिनेशन, इन प्रॉपर वाइब्रेशन, लेकिन नेम नंबर 4 कंपनी के प्राइमरी और लाइफ पाथ नंबर के साथ में वाइब्रेट होते हैं। 4 डिनोट्स राहु। अब यहाँ पे पूरा का पूरा फैक्टर चेंज हो जाता है। राहु के नाम पे जब कंपनी का नाम नंबर आता है तो राहु एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है। राहु ऐसा प्लैनेट है जो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श दोनों की जर्नी आपको एक ही बार में दिखा सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे उसको फर्दर डिटेल में समझने के लिए, क्योंकि खाली एक ही पैरामीटर नहीं हो सकता जो कि कंपनी को ऊंचाई भी दे दे और एकदम इतना बुरा डाउनफॉल भी दे दे, तो हम कंपनी के न्यूमरोलॉजिकल चार्ट को भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि कंपनी के न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में 30 नंबर 30 का कोई अंक नहीं है, 0 का कोई प्लेसमेंट नहीं है न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में, लोशो ग्रिड में 11 11, दो बार 11 आया है, फिर 20 11 20 11। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर 3 इन द डेट ऑफ बर्थ में एक बार आ रहा है, लेकिन एज अ प्राइमरी नंबर एक और बार आ रहा है, तो नंबर 3 यहाँ पे दो बार वाइब्रेट होता है, नंबर 1 4 बार वाइब्रेट होता है, फिर नंबर 9 बीइंग द लाइफ पाथ नंबर एक बार वाइब्रेट होता है, और नंबर 2 क्योंकि ईयर 2000 के बाद ये फर्म क्रिएट हुई है
ये कंपनी क्रिएट हुई है। तो नंबर दो एक बार वाइब्रेट होता है, बाकी आप देखेंगे यहाँ पे मिसिंग नंबर्स कौन कौन से हैं। नंबर चार मिसिंग है, नंबर पाँच मिसिंग है, नंबर छः मिसिंग है, नंबर सात मिसिंग है और नंबर आठ मिसिंग है। अब यहाँ पे आप देखेंगे नंबर, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री कार का प्लैनेट तो नंबर तीन है जो स्ट्रांगली प्लेस्ड है, लेकिन हम जब ओवरऑल बिजनेस की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वहाँ पे राहु और मर्क्यूरी दोनों एक कार का प्लैनेट का रोल प्ले करते हैं। नंबर पाँच का मिसिंग होना मतलब बैलेंस का मिसिंग होना, मतलब आप देखेंगे कि कंपनी में बैलेंस की कमी है। और नंबर चार की जो मिसिंग है, नंबर चार स्टेबिलिटी को डिनोट करता है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की मिसिंग है। तो कंपनी की स्टेबिलिटी मिसिंग है, कंपनी का बैलेंस मिसिंग है। अब यहाँ पे बायजूस एज अ नेम नंबर नंबर चार पे आता है, तो नंबर चार पे उसका नेम नंबर आने से नंबर चार की जो एनर्जीज है थोड़ी तो कॉम्पनसेट होती है उसके नाम से। लेकिन नंबर पाँच जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाँच फाउंडेशन है, पाँच बैलेंस है, पाँच यदि मिस होता है तो आपकी कंपनी में आप ओवरऑल बैलेंस को मिस करते हैं। आज कंपनी ने फंड्स तो बहुत तगड़े रेस किए, लेकिन वो फंड्स का जो यूटिलाइजेशन हुआ, वो फंड्स का जो एक कंट्रोल्स जो रहने चाहिए, वहाँ पे कंपनी ने मात खाई, जिसके वजह से कंपनी ने मेजर डाउनटर्न देखा। अब यहाँ आप देखेंगे कि कंपनी ने इतने फंड्स रेस किए तो ऐसे क्या कॉम्बिनेशन बनते कि कंपनी को इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स मिले, ऐसा क्या टाइम पीरियड रहा जिसमें कि कंपनी ने एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ देखी। यहाँ पे कंपनी का संचार देखेंगे तो स्कॉर्पियो का लगन राइजिंग है, वृश्चिक लगन, जहाँ पे सूर्य बुध और राहु साथ में बैठे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बनता है, और स्कॉर्पियो लगन ऐसा है जो एक मिस्टीरियस लगन है, मतलब वो लगन रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म इश्यूज, मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है जो वृश्चिक राशि है वो। सेकेंड हाउस जो है, सेकेंड हाउस कोई भी चार्ट का सेकेंड हाउस जो है, दैट इज द हाउस ऑफ वेल्थ, दैट इज द हाउस ऑफ मनी, लिक्विडिटी, पैसे का भाव है। तो सेकेंड भाव का कोई भी किसी का भी, जैसे यदि हम कोई इंडिविजुअल की कुंडली में देखेंगे तो सेकेंड हाउस यदि बली है तो वो उनकी एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैलेंस शीट को प्रॉमिस करता है। वैसे ही कंपनी का सेकेंड हाउस यदि बली है तो उसकी फंड रेजिंग केपेबिलिटी एक वेल्थ को डिनोट करता है, वेल्थ एंड फाइनेंसेस को डिनोट करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी के सेकंड हाउस में शुक्र बैठा है गुरु के भाव में, मतलब सेकंड हाउस में राइजिंग साइन इज सैजिटेरियस और वहाँ पे शुक्र बैठा है, शुक्र वेल्थ का कारक है। तो वेल्थ का कारक होकर सेकंड हाउस में बैठना एक स्ट्रॉन्ग सेकंड हाउस को डिनोट करता है। दूसरा जो सेकंड हाउस का लॉर्ड गुरु है वो सिक्स्थ हाउस में बैठा है, सिक्स्थ हाउस किसे डिनोट करता है, सिक्स्थ हाउस डिनोट्स रेजिंग कैपिटल, रेजिंग डेट्स, सिक्स्थ हाउस इवन डिनोट्स कॉम्पिटिशन। सिक्स हाउस में गुरु के बैठने से और गुरु का जो एस्पेक्ट है, मतलब सेकंड लॉर्ड का सिक्स हाउस से कनेक्ट बनना, ये बताता है कि कंपनी को फाइनेंस रेजिंग में तकलीफ नहीं आएगी, पैसा कंपनी को भरपूर मिलेगा। सो फ्रॉम अ फंड रेजिंग और सेलेक्टिंग इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, द की इज रेज मनी व्हेन यू डोंट नीड। डेट्स भी भरपूर बनेंगे, और सिक्स हाउस जो है वो डेट्स को भी डिनोट करता है, सिक्स हाउस कॉम्पिटिशन को भी डिनोट करता है। लेकिन गुरु के वहाँ बैठने से एक चीज़ तो प्रॉमिस हो गई कि कंपनी को पैसा रेस करने में तकलीफ नहीं आएगी, और गुरु की नाइन्थ एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे बनती है तो सेकंड हाउस को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो यहाँ पे गुरु और शुक्र की कनेक्शन, एक आपस में एक कनेक्शन बनता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर आती है। तो उनका कंपनी का सेकेंड हाउस बली होने की वजह से थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा पैसा रेस किया। अब यहाँ पे एक बार फिर हम बायजू रविंद्रन की कुंडली में गौर करते हैं, क्या उनका समय वो सपोर्ट करता था, क्या उतना पैसा या उतनी ग्रोथ वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2017 के एंड में उनकी सूर्य की महादशा लगी, और सूर्य इनका भाग्येश है जो इनका सबसे फेवरेबल प्लैनेट है, और भाग्येश की महादशा सही समय पे, ऐसे समय पे लगना जहाँ पे उन्हें खुद को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इस कंपनी को इतने बड़े लेवल पर लेके जाएंगे कि वर्ल्ड की एडटेक कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट एडटेक कंपनी बन जाएगी। उनका भाग्य ने उन्हें ये चीज़ का मौका दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, 2017 से आप देखेंगे उन्होंने जिस हिसाब से फंड रेज किया उन्होंने फिर कभी पलट के देखा नहीं, 2017 से लेके 2023 में ख़त्म हुई। तो 2017 से 2023 तक की उनकी जो ग्रोथ स्टोरी रही वो अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल रही। तो आप देखेंगे कि 2017 में जब उन्होंने ग्रो करना चालू किया और साथ में कंपनी के जो कॉम्बिनेशन है वो सपोर्ट कर रहे थे कंपनी की ग्रोथ को,
तो उन्होंने फंड्स तो बहुत अच्छे रेज किए, फंड्स को रेज भी किया, उन्होंने जो स्पेंडिंग्स करी, जिस लेवल पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, शाहरुख खान को एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया, क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया, हमने बहुत मार्केटिंग पे काम किया और फीडबैक बहुत अच्छा लगा, सब आई मीन पीपल स्टार्टेड नोइंग अबाउट बायजूस, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस ग्लैमर ऑफ मार्केटिंग एंड द रियलिटी ऑफ रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम सेल्स. बहुत ज्यादा पैसा बर्न करने लग गए पर पैसा बना नहीं पा रहे थे उस टाइम पे. उनके वर्ल्ड कप पे स्पॉन्सर किया और बहुत सारे अदर टूर्नामेंट्स में स्पॉन्सर किया, लेफ्ट राइट सेंटर जितना एडवर्टाइजमेंट जितना मार्केटिंग वो कर सकते थे उन्होंने किया. उन्होंने मल्टीपल कंपनीज को एक्वायर किया बियॉन्ड, मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम को देके. From a operations perspective, the bigger ones which was acquired was Akash, White Hat Junior, Great Learning, Epic, so these were the four or five big companies which were acquired. जितने भी उन्होंने freshers engineering के जो aspirants थे या freshers graduates थे, उन्हें उन्होंने hire किया in the salary जो कि आदमी 10 साल एक job में रहने के बाद भी नहीं कमा सकता. मतलब आप ये देखिए कि हर level पे उन्होंने talent को acquire किया. उन्हें talent को acquire करने में, एडवर्टाइजमेंट करने में, मार्केटिंग करने में उन्हें कहीं पे भी पैसों की कमी नहीं रही, क्योंकि इतना पैसा कंपनी में आ गया उस दौरान. लेकिन वहीं से ही कंपनी का पतन शुरू होता है. सो आई थिंक द मिस्टेक एवरीवन डिड, नॉट जस्ट वायू डिड इन अ डिफरेंट स्केल, दैट इज द प्रॉब्लम, इज देयर वाज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ऑन कॉस्ट, राइट? इट वाज इन्वेस्टमेंट्स वेयर डन विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑन व्हाट कुड बी द पोटेंशियल रेवेन्यू, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल कैश फ्लो. A lot of things were always done in optimism and exuberance rather than deep business insights and research. अब यहाँ से हम analysis करते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है उनकी downward journey की. अब ये downward journey का अगर हम practical reason देखेंगे तो mismanagement of funds. उन्हें company की potential या company की requirement से ज़्यादा पैसा मिलना company के पतन का कारण होता है. ये एक बहुत ही practical reason है कोई भी company के downfall का. यदि आप देखेंगे कोई भी company आप ले लो, जब कंपनी के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कंपनी रेस कर लेती है, वहाँ से मिस यूटिलाइजेशन, स्विंडलिंग ऑफ फंड्स चालू हो जाते हैं और वहाँ से कंपनी अपना डाउनफॉल देखती है. यहाँ पे आप इनके केस में देखेंगे तो सबसे पहले फिर से हम कंपनी के चार्ट पे वापस से देखते हैं तो कंपनी के चार्ट में आप देखेंगे कि सूर्य के साथ में राहू की लगन में युति बनने से और उसी दौरान कंपनी का जो रूलिंग पीरियड चल रहा था वो राहू का पीरियड चल रहा था. वो कैसे हमें मालूम पड़ता है? जब हम कंपनी के मून साइन को स्टडी करते हैं, कंपनी के बर्थ चार्ट में यदि आप देखेंगे तो कंपनी का जो जन्म था वो श्रावण नक्षत्र में हुआ है. मून साइन मतलब चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा था वो श्रावण नक्षत्र था. तो श्रावण नक्षत्र के सेकंड पद में जब कंपनी का जन्म हुआ तो चंद्रमा की आदि दशा बाकी थी, चंद्रमा की दशा, फिर मंगल की दशा खत्म करके चंद्रमा, मंगल की दशा खत्म होने के बाद में 2024 में कंपनी को राहु की महादशा लगी. यहाँ पे कंपनी का रूलिंग पीरियड राहु था. तो जब राहु रूलिंग पीरियड आता है तो राहु ऐसा प्लैनेट है, जैसे मैंने हमेशा आपको बताता हूँ कि जो फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक की जर्नी आपको दिखाता है. यहाँ पे राहु ने लगन में इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, जो राहु का फ्रेंडली साइन नहीं है, सूर्य के साथ में सूर्य को ग्रहण तोड़ सन चार्ट, मतलब कंपनी की सोल या कंपनी की आत्मा या कंपनी के फाउंडेशन को हम सन के पोजिशन से देखेंगे. तो सन के साथ में राहु की जो युति बनती है, मतलब कहीं ना कहीं राहु के पीरियड ने उसके फाउंडेशन को हिला दिया. दूसरा आप देखेंगे कि बायजू रविंद्रन की 2023 में सूर्य की महादशा खत्म होकर चंद्रमा की महादशा लगी और चंद्रमा उनके आठवें भाव का रूलर है, एट्थ हाउस. और आठवां भाव एक त्रिक भाव है, एक नेगेटिव भाव है और चंद्रमा बैठा भी अपने खुद के भाव में है. मतलब एट्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ के स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे उसकी महादशा का पीरियड चालू होता है तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को डिनोट करता है. यहाँ से आप देखेंगे 2000 जैसे 2022 के वैल्यूएशन में 22 बिलियन यूएसडी का वैल्यूएशन था और वहाँ से उसके बाद में जैसे जैसे 2022 एंड हुआ 2023 से कंपनी ट्रबल्स देखना चालू कर दी. लेकिन जैसे हम जानते हैं कुंडली में बायजू रविंद्रन की कुंडली है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पत्रिका. उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनका त्रिकोण बहुत मजबूत है. उनके जितने योग बनते हैं कुंडली में, जैसे मैंने आपको बताया राशि परिवर्तन योग बनता है विद वेयर द एक्सचेंज ऑफ लग्न एंड नाइन्थ हाउस हैपन्स, नाइन्थ एंड टेंथ लॉर्ड कंजंक्ट टुगेदर इन लग्न. तो ये जो दो कॉम्बिनेशन बनते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है. साथ में सूर्य और मर्क्यूरी, सन एंड मर्क्यूरी का जो युति है वो बुध आदित्य योग भी बनाती है उनके लग्न में बैठ के. तो जब
आदमी का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है तो डेफिनेटली उसका कमबैक होना ही है, लेकिन कमबैक किस स्टेज पे होना है? क्या वापस से ये कंपनी 22 बिलियन की वैल्यूएशन देखेगी या इसके ऊपर जाएगी? तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे कारण आप समझो कि जो 22 बिलियन की वैल्यूएशन कंपनी ने अचीव की है वो एक पीरियड का उछाल था। वो इतने सारे जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस आए और वो जो समय का उनको सपोर्ट मिला, उसने वो कंपनी को उस लेवल तक उछाल दिया कि वो 22 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंची। लेकिन ये कंपनी जो है, ये कंपनी एक पोटेंशियल तो होल्ड करती है, ये कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट पुराना नहीं है। का जो समय आया था स्पेसिफिकली, वो के समय ने कंपनी को इतना हाई राइज दिया क्योंकि देश काल परिस्थिति कोई भी ह्यूमंस के हाथ में नहीं है। दिस इज इन द हैंड्स ऑफ द नेचर, इन द हैंड्स ऑफ द ऑलमाइटी। तो जो एक ऐसा फैक्टर आया था, कोविड का एक ऐसा पीरियड आया था जब संपूर्ण लॉकडाउन हो गया था, वो टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वही टाइम पे आप देखेंगे पेटीएम का राइज हुआ था, वही टाइम पे आप देखेंगे डिजिटल पेमेंट्स के जितने भी अदर ऐप्स थे उसका भी इजाद हुआ था, यूट्यूब से अपने क्विक कॉमर्स का एक रेवोल्यूशन आया था, क्विक डिलीवरीज का। वही टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो एक लेवल पे बूम हुए, जितने भी ऑनलाइन कंपनीज हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जिस लेवल पे बूम हुए वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी लेवल था उन सब कंपनीज के लिए। उसी वे में बायजूस ने भी बहुत ही हाइट्स को अचीव किया। बट जैसे कि हम जानते थे कि 2 साल का ये लॉकडाउन था, 2 साल के बाद में जैसी सिचुएशन नॉर्मल पे आई, सब बच्चे वापस से अपने कन्वेंशनल स्टाइल, अपने ओल्ड स्टाइल, ओरिजिनल स्टाइल पे वापस से आ गए, सब वापस से स्कूल जाना चालू कर दिया। इवेंचुअली हर एक जना रियलाइज़ कर लिया कि जहाँ पे आउटडोर एक्टिविटी होनी है वहाँ पे आउटडोर एक्टिविटी होनी है, जहाँ पे आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होना है टीचर्स के साथ में, जो लर्निंग आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से होनी है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ऑनलाइन इंटरेक्शन रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन इंटरेक्शन से डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत डेवलप होते हैं। और वही वजह थी जैसे ही बैक टू नॉर्मल स्कूल लाइफ में बच्चे आए, वहाँ पे बायजूस की सेल ड्रॉप होना चालू हो गई। उन्होंने एक्सपेंडिचर्स तो इतने बिल्डअप कर लिया था, उन्होंने एपेक्स इतना बिल्डअप कर दिया था कि कहीं ना कहीं वो रेवेन्यूज उसे सस्टेन कर ही नहीं सकते थे चाहे वो कितना भी सेल कर दें। तो धीरे धीरे करते करते उन्होंने मल्टीपल ऑफिस को शट डाउन करते करते वो एक सिंगल ऑफिस पे आ गए और 22 बिलियन USD की जो वैल्यूएशन थी वो 200 मिलियन USD के आसपास आ गई एज ऑन 31st March 2024। इतना शार्प डिक्लाइन कोई भी कंपनी का इतने सारे नेगेटिव कॉम्बिनेशंस की वजह से ही होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि 22 बिलियन से गिर के वो 200 मिलियन पे आई, लेकिन जो कंपनी 22 बिलियन तक पहुंची है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्टर्स की वजह से पहुंची है। कंपनी का एक अपना पोटेंशियल रहता है रियल ग्रोथ का, बट क्योंकि वो टाइम पे इतनी सारी एनर्जीज काम कर रही थी और साथ में सर्कमस्टेंसेस ऐसे काम कर रहे थे जिसने कंपनी को एक सिनर्जिकल बूस्ट दे दिया, तो कंपनी ने वो वैल्यूएशन को अचीव किया, वरना प्रैक्टिकली वो कंपनी उस लेवल पे वैल्यू होने के लिए तैयार भी नहीं थी। और अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्योंकि कंपनी का एक लंबा राहु की दशा है और राहु में कैपेबिलिटी है, वो कंपनी को टर्न अराउंड भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे राहु एक नेगेटिव पोजीशन पे बैठी है। तो कंपनी का जो टर्न अराउंड है वो एक सर्टन लेवल पे जाके थम जाएगा, या तो फिर वो कंपनी को कोई ना कोई टेक ओवर करेगी और फिर एक सस्टेनेबल ग्रोथ तक वो कंपनी प्लान कर सकती है। दूसरा, बायजू रविंद्रन का जो समय है चंद्रमा का, वो 10 साल की महादशा है, तो जो उनका 10 साल का पीरियड है वो अप्स एंड डाउन्स का पीरियड है, उन्हें एक लॉन्ग टर्म तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा 8th हाउस को सिग्निफाई करता है और 8th हाउस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को सिग्निफाई करती है। बायजू रविंद्रन को लंबा समय तकलीफ का लंबा समय भोगना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे कि चंद्रमा क्योंकि लगन गुरु का है, तो चंद्रमा देखा जाए तो कहीं ना कहीं 100% अनफेवरेबल या 100% फंक्शनल मेलिफिक नहीं बनता है। चंद्रमा एक बेनिफिक और लग्नेश का फ्रेंड होने की वजह से, मतलब धनु लगन जो है चंद्रमा का मित्र है, तो चंद्रमा 8th हाउस में बैठने से 100% मेलिफिक नहीं होता है, तो डेफिनेटली उन्हें रिकवरी के काफ़ी मौके देगा। और 8th हाउस जो है वो फॉरेन लैंड्स को भी डिनोट करती है, वो अनएक्सपेक्टेड टर्न्स, अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशंस को भी डिनोट करती है। अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है नेगेटिव ही हो, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको कोई फॉरेन कंपनी से एसोसिएशन या फॉरेन कंपनी से टेक ओवर होने के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं जो इन्हें फिर से रिवाइव कर सकती है। तो यहाँ पे बायजू रविंद्रन और कंपनी दोनों का रिवाइवल बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है। और दूसरा,
चंद्रमा के बाद इनकी फिर मंगल की महादशा है जो इनके लिए अगेन एक फेवरेबल है, तो ये पक्का बताती है कि बायजू रविंद्रन अपने इस जीवन में कमबैक जरूर करेंगे। उनकी इतनी स्ट्रांग कुंडली है, उनके इतने स्ट्रांग कॉम्बिनेशंस बनते हैं और उनका समय आगे फिर सपोर्टिव है, तो ये प्रॉमिस करता है कि वापस उनका कमबैक रहेगा, वापस उनका बाउंस बैक रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस एनालिसिस को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंसाइटफुल लगा होगा, और जो नए एस्ट्रोलॉजर्स अपकमिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से काफ़ी सीख मिली होगी। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहाँ पे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप आपके दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट से मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है, मुझे एक एंकरेजमेंट मिलता है कि कोई नए टॉपिक्स के ऊपर ऐसे नए केस स्टडीज़ को आपके सामने लेके आऊँ। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।